इस प्रदेश वसदे हुए मेरे एनआरई भरावां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। जिंदे रहो, वसदे रहो, मौजा माणो। एक प्रश्न हमेशा थोड़े मन च उठता है, जदों भी तुसीं इंडिया आना हुंदा अपने परिवार समेत, तुसीं हर बार हर साल साल डेढ़ साल बाद दो साल बाद कुछ ना कुछ सुख दुख फैमिली का, किसी का विआह, किसी का कुछ ना कुछ थोड़ा चलता रहिंदा। जनरली तुसीं हर साल डेढ़ साल बाद कुछ ना भी होवे तां वी एक अंदरों होक उठदी है कि नहीं, मैं अपनी देश जाना है, अपने रिश्तेदारों नूं मिलना है। तो तुसीं सारे लोग विजिट करते हो इंडिया, हमेशा एक अपनी मिट्टी की खुशबू, एक मिट्टी अपनी धरती की खोह जी थोड़ू लगती है, तो तुम नठते हो इधर दौड़ते हो अपने प्यारियां मिलने वास्ते। सो जो भी तुम आते हो तो आते सब तो पहले थोड़ा एक समस्या होंगी है कि गड्डी किस तरह लेनी है, गड्डी विद ड्राइवर लेनी है या विदाउट ड्राइवर लेनी है, ड्राइवर होएगा तो ड्राइवर किस तरह का होएगा, वह बिहेव किस तरह का होएगा। सैकेंड बड़ी प्रॉब्लम होंगी है कि ड्राइवर नाल साड़ी प्राइवेसी जी होंगी है वो लीक हो जाती है। प्राइवेसी बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर हैगा, तो प्राइवेसी अगर ड्राइवर नाल होए तो असं वो गल्लां नहीं कर सकते जिहड़ियां असीं करते हैं। तो असीं आने हैं तो आके साड़ी इच्छा होंदी है कि लाइक दैट हार्ट्स कार जिहड़ी कनेडा अमरीका चल रही है या आस्ट्रेलिया भी चल रही है, इस तरह की सेल्फ ड्राइव कार प्रोवाइड कंपनी इंडिया भी होनी चाहिए है। सो बहुत सारी कंपनियां इंडिया भी ऑलरेडी आ गई जो सेल्फ ड्राइव कार दिंदियां हैं, बट अनऑथराइज वेंडर बहुत है जो ऑलरेडी इस लाइन काम कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं पता कि गड्डी किस तरह की होनी चाहिए है, गड्डी की कंडीशन है, की इंपोर्टेंट कंडीशन होंगी है सेल्फ ड्राइव गड्डी चलाण की, वह लसेंस हों, तो यह सब चीज़ा जी थोड़ू ये नॉलेज थोड़े को होनी चाहिए है। जो भी तुम आते हो इंडिया, तुम अक्सर आते रहते हो, आके गड्डिया ले, एक बहुत गौर करने वाली गल हैगी है कि जो भी तुम इंडिया आओ तो अगों तो जो सेल्फ ड्राइव गड्डी लेंदे हो, सैटेलाइट गड्डी लैन लगे किसी अनऑथराइज वेंडर, तो सब तो पहले तो वे को लसेंस होना चाहिए कि सेल्फ ड्राइव कार ऑथराइजेशन वो इंडियन गवर्नमेंट दिंदी है, एक स्पैशल ऑथराइजेशन होंगी है जो हर ट्रांसपोर्टर उसी ट्रांसपोर्टर मिल सकती है जिहड़ा ट्रांसपोर्टर एक बार 50 गड्डियां पाएगा, मतलब 50 गड्डियां रजिस्टर्ड कराएगा ऑन द लसेंस ऑफ सेल्फ ड्राइव कार, एक या दो या तीन या चार पाँच गड्डियां नहीं, 50 गड्डियां। सो 50 गड्डियां की पहली कंडीशन है लसेंस उसनों मिलेगा जिहड़ा एक साल के अंदर 50 गड्डियां रजिस्टर्ड कराएगा सेल्फ ड्राइव कार। सैकेंड थिंग, सेल्फ ड्राइव कार की इंश्योरेंस 3 times कोस्टली होंगी है एक नॉर्मल गड्डी नालों। मान लो थोड़ी एक नॉर्मल कार या नॉर्मल टोटा क्रिस्टा या नोवा जी इंश्योरेंस 25,000 है, तो सेल्फ ड्राइव कार की इंश्योरेंस 75,000 है, 75,000 एक बिग अमाउंट हों कि उस इंश्योरेंस कंपनियां या इंडियन गवर्नमेंट सब तो लेंदी है कि बीइंग द यूज ऑफ सेल्फ ड्राइव एक रिस्क कवर हों, इस करके उस सब तो 3 times 3 times मोर कोस्ट सब तो सेल्फ ड्राइव गड्डिया की इंश्योरेंस लेंदी है, जो जनरली जो अनऑथराइज वेंडर है या पंजाब या कितने होर भी है उन्होंने पहली गल तो पता ही नहीं है कि IMT 43 and 44 ये दो क्लोज है इंश्योरेंस एक्ट जेडे सेल्फ ड्राइव गड्डी की इंश्योरेंस को कवर करते हैं, तो उन्होंने पता ही नहीं है कि IMT 43 and 44 हों क्या है। सो मित्रों दोस्तों भरावो, आप अपनी जान नू, अपने परिवार को, अपने मित्र को, उन्हों की जी असी अपनी कीमती जान ना अनऑथराइज वेंडर जिन्होंने आप ही नहीं पता कि सेल्फ ड्राइव गड्डी होंगी की है, सेल्फ ड्राइव गड्डी की लसेंस की होंगे, वो इंश्योरेंस की होंगी है, तुम आते हो उन्हों तो कुछ 5-10,000 सस्ती देख के उन्होंने तो गड्डिया ले लेंगे और इंजॉय कर दो कि नहीं जी साढ़े तो जलंधर शहर फलाना बंदा जी गड्डी एने की दे रहा जी, तुम तो एने की दे रहे तो तुम तो एने की दे रहे हैं, पर पिछले थोड़ा क्लोज नहीं पता कि उस उस बंदे को ना तो सेल्फ ड्राइव गड्डिया पाने का लसेंस है, ना ही वो गड्डी सेल्फ ड्राइव के अंदर इंश्योर्ड है। इंश्योर्ड तो ही होएगी जब उस लसेंस गड्डी रजिस्टर्ड होएगी, सब तो पहले सेल्फ ड्राइव लसेंस के अंदर गड्डी रजिस्टर्ड होए, दैन उस तो बाद इंश्योरेंस करा सकते हैं। सो एक बहुत बड़ा लकूना है जो आम सानू किसी भी नहीं पता, और जनरली आते हैं कि नहीं जी उतों की 10,000 रुपये सस्ती मिल रही है जी, असी 10,000 रुपये अपने अपने परिवार का पूरा रिस्क उस गड्डी वाले से छड़ दें, गड्डी लैके सेल्फ ड्राइव चलाने खुदा ना खासा कुछ इन्नी कि किसी मित्र ने भराव नाल हो जाए तो मैं नहीं चाह मैं नहीं सोच रहा कोई होनी चाहिए, पर रोड पर चलते हुए सब कुछ हो जाता है। सो मित्रों अपनी कीमती जान नू 10-20,000 के लालच आके अनऑथराइज वेंडर को जाके गड्डिया बुक ना कराओ, ना उन्होंने तो गड्डिया लो, क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं है IMT 43 and 44 हों की है। सो मैं अमरजीत सिंह रीप्रजेंट करना है अमृतसर कार टायर हट कॉम और पंजाब कार हायर डॉट कॉम, ये मेरे ऑनलाइन पोर्टल है जिन्हें जाके तुसी देख सकते हो कंपनी का प्रोफाइल की है, कंपनी को ऑलरेडी किनिया गड्डिया है, कंपनी किनू किनू गड्डिया दे रही है, कितने कितने कंपनी का ऑफिस हैगा। सो मित्रों ज़्यादा कहने की लोड़ नहीं हैगी, मेरी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, जाके देख सकते हो, और जो भी आओ ज
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ IMT 43 ਔਰ 44 ਕਲੋਚ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਵਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਨਓਥੋਰਾਈਜ਼ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਤੋਂ ਨਾ ਲਓ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਲਰੇਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ IMT 43 44 ਕਵਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ IMT 43 44 ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 20% ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਦ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਦ IMT 43 44 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਸੇਵ ਯੂ ਐਂਡ ਸੇਵ ਯੂਅਰ ਲਾਈਫ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਹਾਇਰ .com ਐਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰ ਹਾਇਰ .com। ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਸਟਮਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50-60 NRI ਵੀਰੀ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ, BMW, Audi, Mercedes ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।